नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं पीसी न्यूज। तमिलनाडु के एक एयरपोर्ट में एक विमान दीवार से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मामले की जांच फिलहाल जारी है और तब तक विमान के पायलट और को पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। कोची से दुबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ हादसा होते होते बचाई। फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करने के बाद एयरपोर्ट कंपाउंड में मौजूद इमारतों और दीवारों से टकरा गई। विमान में 136 लोग सवार थे। टेक ऑफ करते समय विमान का टेक ऑफ फील्ड कई इमारतों से टकराया। ये फ्लाइट बाद में मुंबई में सुरक्षित लैंड कराई गई। हादसा गुरुवार रात 1:30 बजे का है। विमान को मुंबई में उतरने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने घटना की और हालात की समीक्षा की। एयर इंडिया ने कहा कि घटना पर आंतरिक जांच शुरू की गई है। पायलट और को पायलट को ऑफरोस्ट कर दिया गया है। एयरलाइन ने इस घटना के बारे में डीजीसीए को बता दिया गया है। सभी 130 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिए गए हैं और उनके लिए मुंबई से दुबई जाने वाले दूसरे विमान का इंतजाम किया गया है। किसी भी सवार को कोई चोट नहीं पहुंची है। एयरलाइन जांच में सहयोग कर रही है। विमान के साथ हुए हादसे के बाद इसका रूट बदलकर इसे मुंबई में लैंड करवाया गया ताकि विमान की जांच की जा सके। जानकारी के मुताबिक इस टक्कर के साथ विमान के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। टक्कर से त्रिची एयरपोर्ट की दीवारें भी टूट गई है। घटना के बाद तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री वेलामंडी एन नटराज भी घटनास्थल पर गए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीसी न्यूज़।